जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत वर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, 9 सितंबर 2023 दिन शनिवार को कक्षा 11वीं का भूगोल का वीकली टेस्ट लिया जाएगा और आज हम करेंगे भूगोल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो चलिए, इसमें कुल 16 प्रश्न हैं जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आप सभी से यहाँ कह रहा है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवने होती है, यानी जो उच्च दाब क्षेत्र भूमध्य से लेकर भूमध्य सागर की ओर जो पवने चलती है उन पवनों को हम क्या कहते हैं। विकल्प दे रखा है मानसूनी पवने, समुद्री पवने, पछुआ पवने या व्यापारिक पवने। क्या होगा यहाँ पे सही उत्तर है बच्चा डी, उन्हें हम व्यापारिक पवने कहते हैं। पहले प्रश्न का विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, कौन सी पवन ऋतुओं में परिवर्तन के साथ साथ अपनी दिशा बदल लेती हैं, यानी मौसम में परिवर्तन होगा तो पवन की दिशा भी बदल जाएगी। विकल्प दे रखा है ध्रुवीय पवने, मानसूनी पवने, व्यापारिक पवने या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा यहाँ पे ध्यान रखना है, जो मौसम से संबंधित पवने होती हैं जैसे मानसूनी पवने, स्थल समीर, समुद्री समीर, ये पवने मौसम में परिवर्तन के साथ अपनी दिशा को बदल लेते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है, किस रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क हवाओं को हरमट्टन कहा जाता है, सहारा रेगिस्तान, गोही रेगिस्तान, कालाहारी रेगिस्तान या थार रेगिस्तान। क्या होगा सही उत्तर बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि सहारा रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क हवाओं को हरमट्टन कहा जाता है। हरमट्टन का एक और नाम होता है डॉक्टर पवन या डॉक्टर वायु। क्या कहते हैं इसे, डॉक्टर वायु होता है, क्योंकि ये शुष्क होने के कारण जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं, जीवाणु होते हैं, उन्हें नष्ट करने का काम करती है। चौथा प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं विचलन के क्या कारण हैं। विकल्प दे रखा है ए तापमान, बी दाब, सी पृथ्वी का घूर्णन और डी यहाँ पे कर लीजिए नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा बच्चा यहाँ सही विकल्प, तो बच्चा कैरियोलिस बल के कारण ये जो पवन है वो बाईं ओर विचलित हो जाती है। यहाँ पे सी में आप सही लगाइएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है, अश्व अक्षांश किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखा के 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम डोलड्रम क्षेत्र या फिर अश्व अक्षांश कहते हैं। यह उपोष्ण कटिबंधीय वायुदाब पेटी कहलाता है। कौन सा विकल्प सही होगा बच्चा, विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 6 यहाँ दे रखा है, पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर की स्थिति होती है, यानी पृथ्वी और सूर्य की सबसे दूर की जो स्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं, अपसौर, उपसौर, मंदसौर या उनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पे सही विकल्प होगा बच्चा अपसौर। क्या होगा, अपसौर होगा। अपसौर जो होता है वो 4 जुलाई को होता है, कितने 4 जुलाई को, और इस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। सबसे सामने की घटना को हम लोग उपसौर बोलते हैं, पृथ्वी और सूर्य सबसे नज़दीक की घटना को उपसौर बोला जाता है और 3 जनवरी को यह होता है। कब होता है बच्चा, 3 जनवरी को। 7 प्रश्न है, सर्वाधिक सूर्यताप कहाँ होता है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा पर या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों विषुवत रेखा पर सर्वाधिक सूर्यताप होता है, विकल्प ए सही उत्तर है। बताइए कितने बच्चों का अभी तक 7 में से 7 प्रश्न सही हुआ है। यदि आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं बच्चा तो आप इन प्रश्न को नोट जरूर कीजिए, ये आपके फाइनल जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 8 प्रश्न है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का विकिरण होता है मध्य तरंगों के रूप में, लघु तरंगों के रूप में, दीर्घ तरंगों के रूप में या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही विकल्प, ए बी सी या डी। तो यहाँ पे बच्चों लघु तरंगों के रूप में विकिरण होता है। 9 प्रश्न, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, सम
सताप, समताप मंडल। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वायुमंडल की परतों को 5 भागों में बांटा गया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, सबसे नीचे की परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है और यह जो परत है वो जीवन के लिए सबसे उत्तरदायी है, इसी में सभी घटना घटती है। समताप मंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए सर्वयुक्त है। आयन मंडल जो संचार के लिए सबसे उपयुक्त मंडल या परत है। किस जगह पर दिन तथा रात बराबर होते हैं? विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या इनमें से कोई नहीं? बच्चों यहाँ पे आपसे दिन भी पूछा जा सकता है कि किस तारीख को दिन और रात बराबर होते हैं। तो दो तारीख आपको याद रखना है, 21 मार्च नोट कर दीजिए आप सभी, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं और विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, ये आपको याद रखना है। 11वां प्रश्न है, जीवित प्राणियों के लिए कौन सी परत सबसे महत्वपूर्ण है? समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल या क्षोभ मंडल? तो सही विकल्प क्या होगा? डी, क्षोभ मंडल जीवित प्राणियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12वां, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस प्रभाव, या ग्रीन हाउस जो प्रभाव है उसके लिए सबसे उत्तरदायी गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे उत्तरदायी गैस होती है, विकल्प ए सही है। इसके अलावा आप याद कर सकते हो कि जो ओजोन गैस होती है ना, वो भी यहाँ पे इसके लिए उत्तरदायी होती है। प्रश्न संख्या 13वां है, वायुमंडल की मुख्यतः कितनी परतें होती है? 2, 4, 5 या 6? तो हमने अभी देखा कि इसकी 5 परतें होती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, ये 5 परतें हैं। 15 यहाँ पे अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है कि बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दाब मापते हैं, लैक्टोमीटर बात की जाए तो दूध की शुद्धता को हम लोग लैक्टोमीटर से मापते हैं, हाइग्रोमीटर की बात की जाए तो हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता मापते हैं, है ना, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर, दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। 15वां प्रश्न है, ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब, यदि हम ऊंचाई पर बढ़ते जाएं तो वायुदाब क्या होगा? घटता है, बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा बच्चा यहाँ पे सही उत्तर? सही उत्तर होगा बच्चा घटता है, हम जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे तो वायुदाब घटता है। 16वां प्रश्न है, कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है, यानी संचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण परत होती है? आयन मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा सही उत्तर? वेरी गुड, सही उत्तर है ए। तो बताइए कितने बच्चों का 16 में 15 से 16 आया है, यानी 15 से 16 प्रश्न किनके सही हुए हैं? तो बच्चा आप इन प्रश्नों को नोट कीजिए, भारत उस क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।